तो हम सोचे कि चलिए भाई खेत में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं और गांव के किसानों का हाल चाल पूछते हैं। तो आप किसान हैं? ना, हम मोदी जी के दामाद हैं। दोस्तों, सभी का स्वागत है भाई हमारे चैनल पर इस वीडियो में। अच्छा दोस्तों, 8 से 9 घंटे की जॉब, उस पर भी बॉस के ताने, ऊपर से ट्रैफिक और काम का प्रेशर, आजकल भाई हमें ठीक से हंसने की भी आजादी नहीं देता है। आपकी समस्या को मद्देनजर कुछ ज्यादा ही हिंदी हो गई लगता है। वेल, अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो आपकी खोई हुई हंसी को वापस आपके कोमल कोमल होंठों से चिपकाने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं लेकर फनी मोमेंट्स की सीरीज का ये 12वां पार्ट। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होगी, इसकी तो हम गारंटी लेते हैं। बस आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों लास्ट तक देखना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की मनोरंजन भरी यात्रा, फनी मोमेंट्स पार्ट 12। दोस्तों, अक्सर आपने कई लोगों को देखा होगा जो पब्लिक प्लेस में जाकर लोगों से उनकी अलग अलग मतों पर राय लेते हैं और उनसे उनकी मन की बात भैया उगलवा ही लेते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा इस क्लिप में भी देखने को मिला, जिसमें ऐसा देखा गया है कि ये रिपोर्टर महाशय एक आदमी के पास जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तुम प्यार करते समय महबूबा में क्या खास देखते हो। लेकिन इस आदमी ने भैया जो जवाब दिया ना, उसको सुनकर आपको रोना आ जाएगा। जी हाँ, जरा सुनिए। भाईजान, आप मोहब्बत करते वक्त क्या चीज देखते हैं? मतलब महबूब में क्या अदाएं होनी चाहिए जो आपको अट्रैक्ट करे? आपको सच्चा प्यार मिला अभी तक? सच्चा? हमें तो झूठा भी नहीं मिला। लेकिन इनका दुख भाई यहीं पे खत्म नहीं होता है। इनका कहना है कि जब भी रिश्ते वाले इनके घर पे आते हैं तो कहते हैं कि लड़का दिखाओ, और जब लड़का दिखाते हैं तो रिश्ते वाले कुछ ऐसा कहते हैं। हमारे घर तो रिश्ते वाले आते हैं, बोलते हैं लड़का दिखाओ, लड़का दिखाते हैं, बोलते हैं डॉक्टर को दिखाओ। दोस्तों, आजकल युवा पीढ़ी हाथों पर टैटू बनवाने का काफी शौक रखती है। युवा पीढ़ी किसी सेलिब्रिटी या फिर अपने मनपसंद चीज का टैटू गुदवाते हैं। लेकिन अगर टैटू बनवाना ऐसा हो तो भैया उनका तो भगवान ही मालिक है। आप खुद ही देख लीजिए जनाब की कारस्तानी। लड़का तो भाई अपनी माशुका का टैटू बनवाने आया था, लेकिन इस टैटू वाले ने उसके हाथ पर भूतनी बना दी। अक्सर देखा जाता है भाई कि जब भी हम कोई नया काम करते हैं तो हमारे आसपास के लोग उस काम को हूबहू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता होती कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। किसी रेस्टोरेंट में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप को आप देखिए। इसमें एक कपल रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा है और पतिदेव अपनी पत्नी को बड़े ही प्यार से अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। पास में बैठी मैडम ये सारा नजारा अपनी आंखों से देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि उसका पति भी अपने हाथों से उसे ऐसा खाना खिलाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन तभी पति की नजर इस कपल पर पड़ती है और वो अपनी पत्नी का सारा दर्द समझ जाता है। लेकिन इसके बाद पति ने जो किया उसे देखकर भाई आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे। आप जरा खुद ही देखिए तो बेहतर होगा। दोस्तों, जब हम लोग स्कूल जाया करते थे तो यार मैडम से कितना डर लगता था ना, हम उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे तो भैया डायरेक्ट असेंबली में ही डाका डाल रहे हैं और मैडम से ही प्यार करने लग गए हैं और उन्हें प्रपोज तक कर रहे हैं। अभी एक बच्चे का आज मैसेज आता है मेरे पास में और वो कहता है कि वो बहुत सारी बातें कहता है, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ इस बात को सुन के। ठीक है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है, आप बहुत अच्छी तरह से समझाते हो, आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, मैम आपकी तबीयत ठीक है क्या? मैंने बोला बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है मैम मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बताइए। मैंने कहा बेटा मैं आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। उसके बाद 10 मिनट बाद मैसेज आता है, तो क्या हुआ मैम? शाबाश, मानना पड़ेगा। अब जरा भैया कांग्रेस के ब्लॉक महासचिव विकास दुबे जी से मिल लीजिए, जो है तो कांग्रेस से, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो उनका हाथ कहीं और ही चला जाता है। अब जरा खुद ही आप सुनिए। नाम बताएंगे पंडित जी आप अपना? विकास दुबे। जोर से बोलिए। विकास दुबे। कहाँ रहते हैं? सरयू बगीचा। वर्तमान आप किस पद में है अभी? ब्लॉक टू महासचिव। कौन से पार्टी का? कांग्रेस। किसने बनाया आपको? तो क्या क्या काम करते हैं आप महासचिव बनकर? महासचिव में क्या काम करेंगे, जो काम मिल जाए वो काम। अच्छा,
जनहित का काम करते हो, किसी का राशन कार्ड बनाना उनाना, सफाई फाई मोहल्ले काम, दुख तकलीफ में लोगों से मिलना जुलना करते हो। अब किस पार्टी को वोट देते हो? बीजेपी। किस पार्टी को वोट देते हो? बीजेपी। लाख सचिव कांग्रेस के और बीजेपी को वोट देते हो? धन्यवाद। क्यों देते हो बीजेपी को वोट? क्योंकि बीजेपी अच्छा रखता है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। अब जरा क्लास में सबसे पीछे बैठने वाली इस छात्रा से भी आप मिल लीजिए, इसकी इंग्लिश को सुन के तो भाई आप भी दंग रह जाएंगे। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो मेरी जान वीडियो को लाइक जरूर करना। आगे और वीडियोस आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों, से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं, किस गांव से, किस शहर से, किस देश से, जरा कमेंट सेक्शन में बताएं। 2 अक्टूबर 2021 के दौरान जाने माने सीए और एक टीचर पुरोहित धवल की क्लास से जुड़ा एक किस्सा सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। दरअसल इस वीडियो में एक ऑनलाइन क्लास के दौरान पुरोहित धवल बच्चों को पढ़ा रहे थे। अपनी क्लास के दौरान पुरोहित धवल अपने एक स्टूडेंट से पूछते हैं कि एक क्वार्टर में कितना होता है। इस पर उनके इस होनहार स्टूडेंट ने क्या जवाब दिया, जरा आप भी सुनिए। आप सबसे पहले ये समझिए एक क्वार्टर में कितना होता है। हेतविक बोल बेटा एक क्वार्टर में कितना होता है? 30 ml लिखता है वो। अरे वो क्वार्टर नहीं, चार चार चार। ऑफिस में बैठे इन जनाब ने भाई केला तो खा लिया, लेकिन जब छिलके को फेंकने की बारी आई तो जनाब ने केले के छिलके को कैसे ठिकाने लगाया जरा देखो। दोस्तों आपने तारक मेहता के सीरियल में भिड़े को तो देखा ही होगा, जो मौका मिलते ही अपने जमाने की बातें करने लग जाते हैं। यहाँ भी बीच रोड पर स्कूटी पंक्चर होने के बाद हमारे चाचा को भिड़े की तरह अपने जमाने के स्कूटर की याद आ गई। आप भी सुनिए स्कूटी पंक्चर होने पर चाचा का दुखड़ा। भाई लोगों, स्कूटी पंक्चर होना भी ना बहुत बड़ी मुसीबत वाली बात है। इसको स्कूटी को तो पंक्चर होते ही याद आते हैं अपने को बजाज के स्कूटर, जिनमें स्टेपनी हुआ करती थी। स्टेपनी लगाई, चेंज की और चले गए। याद हो भाई, चार आदमी आए मेरे पास, अभी कहते भाई साहब भाभी को घर छोड़ दूं क्या? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। अब अगर आपने इस क्लिप को गर्दन घुमाकर देखा तो एक अव्वल दर्जे के ठरकी हो। ईमानदारी से बताओ भैया, गर्दन घुमाई थी ना। लड़कियां अपने मेकअप को कितना सीरियसली लेती हैं, ये बात देखिए बताने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्हें जब और जहां मौका मिलता है ये वहां पर अपना मेकअप करने लग जाती हैं। क्या घर, क्या गाड़ी, क्या मौका, जहां मौका मिले वहीं ये शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आप इन मैडम को देख सकते हैं, मेकअप ठीक करने के लिए इन्हें आईना नहीं मिला तो इन्होंने अपना तेज दिमाग लगाया और पास में पड़े कैलकुलेटर की छोटी सी डिस्प्ले में अपना चेहरा देखा और मेकअप को ठीक करना शुरू कर दिया। वाह दीदी, वाह दीदी। इस पर तो भाई हम यही कहना चाहेंगे कि वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। दोस्तों आंखों में आई ड्रॉप डाल रही इस डॉक्टर से भी आप मिल लीजिए, जो कड़ी मेहनत और इंतजार के बाद आखिरकार इस शख्स के आई ड्रॉप डालने में कामयाब हो जाती है। ये मैडम आज पहली बार नया कैन लेकर आई है और सोचा भाई क्यों ना इसका एक ट्यूटोरियल बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किया जाए वीडियो, जिससे कुछ व्यूज वगैरह बटोरे जाए। ऐसा सोचकर मैडम ने वीडियो बनाकर लोगों को बताया कि कैन को कैसे खोला जाए, लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में इन्हें पता भी नहीं चला कि ये कैन को गलत साइड से खोल रही है और इसकी दूसरी साइड से इसे और भी आसानी से खोला जा सकता था। अब भाई यूं ही नहीं कहते लड़कियों का दिमाग, आप समझ गए ना, बस बहुत है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए बिना किसी कंजूसी के, और संग में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज डू इट यार। दोस्तों सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर लाइक बटोरने के चक्कर में लोग रील्स बनाने के लिए चौराहा हो या बाजार हर जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन ये मैडम के लिए तो पूरी दुनिया ही छोटी पड़ गई। जरा देखिए आप, ये भी महिला है भाई, नारी शक्ति, कुछ भी कर सकती है। करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में, बेबी आर यू फाइन। दोस्तों इस क्लिक को देखकर आपको पहले तो ऐसा लगेगा कि लड़के का पोपट हो गया, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यहाँ भी आपको नारी शक्ति का एक और कारनामा देखने को मिलेगा।
दोस्तों दरअसल दीवार में छेद करने के लिए ड्रिल मशीन लेकर खड़ी इस लड़की के पास ये लड़का आता है और बड़ी चतुराई से लड़की लड़के को ड्रिल मशीन पकड़ा देती है। लड़का भी सोचता है कि कहाँ फंस गया यार, यहाँ तो मुझे काम करने को दे दिया गया। लेकिन अगले पल जो होता है वो जरा आप खुद ही देखिए। वाह दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी तेरे पास बहुत पैसा है, अच्छा शादी करूंगी इसी से। इसे शादी करोगी? उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसका अगला पार्ट देखना है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और एंड इनमें से कौन सी वीडियो क्लिप आपको सबसे अच्छी लगी प्लीज ये भी लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लेकिन अगली वीडियो को देखने के लिए क्या करना है? हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। सो प्लीज डू इट यार। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर मेरी जान।